ये 30 नवंबर को हम लोग को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पपरवा टाड़ में जो एक गुमटी है उसके बगल में सीमेंट के बोरे में हथियार है। और इस सूचना को लेकर तुरंत जो है टीम गठन किया गया था, छापामारी की गई थी और उस समय हम लोग को 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ था। क्योंकि उसका पोजीशन जो था वो एक गुमटी के साइड में रखे हुए था, तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था। और इसको लेकर के टीम बनाया गया SDPO सदर के नेतृत्व में और इसकी जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया। और इसमें जो बात सामने आई वो ये है कि अशोक दास, जिनकी शादी होने वाली थी 10 दिसंबर को, और उसी का वो गुमटी था जिसके बगल से ये बरामद हुआ था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो था जीतन कुमार दास, जो इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है। और जीतन कुमार दास जो कि अशोक दास जिनकी जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसी से वो भी शादी करना चाहता था, ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली है। और इसी को फंसाने के लिए उसके द्वारा जो है ये 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और उसके गुमटी के बगल का जो सीमेंट का बोरी था उसमें छुपा करके रखा गया था। और इसमें जीतन कुमार दास के साथ साथ डब्लू कुमार दास और मनोज चौधरी, इन लोगों की भी संलिप्तता थी। इस हथियार को उन लोगों के द्वारा इसे दिया गया था और ये सभी की मिली भगत से ये जो है ये देसी कट्टा और जिंदा गोली को वहाँ पे रखा गया था। 3 अप्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और भी इसमें भी अनुसंधान जारी है। अगर ऐसा कोई बिंदु आता है जिसमें और किसी के शामिल होने की बात आएगी तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें भी प्रमुख रूप से 3 अभियुक्त, जीतन कुमार दास जो कि मुफस्सिल थाना का है, डब्लू कुमार दास जो कि मुफस्सिल थाना का है, और मनोज कुमार चौधरी जो देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और इसमें 3 मोबाइल जो प्रयुक्त हुए हैं उसकी बरामदगी की गई है। और इसमें जो हमारा SDPO सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार और पूरी टीम इसमें लगी हुई है। सर, पहले भी कोई आपराधिक इसका है रिकॉर्ड क्या? आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, पर हम लोग इसको भी देख रहे हैं कि या तो कहीं और इन थाना क्षेत्र में अगर है तो बहुत जल्दी हम लोग को अपराधी लाया कहाँ से? ये 3 लोगों की मिली भगत से ये जो है लाया गया था, लोगों के सबके सहयोग से। ये डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।